दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज्जू की बिजनेस आइडियाज में। आज हमारी विजिट है पप्पू डेयरी फार्म लेंगे और ये फार्म लगभग 10 साल पुराना है। और क्या फायदा है, क्या बेनिफिट होता है, और मैं ये बताना चाहूँगा नए फार्मर जो भी नए फार्म करना चाहते हैं, अगर कोई फार्मर भाई फार्म खोल करना चाहता है और अगर उनका घर शहर में है तो कितना फ़ायदेमंद होगा, आज हम वो इस वीडियो में बताना चाहेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ और लाइक का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों हमारे साथ हैं यहाँ के ऑनर साहब। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजू की बिजनेस आइडियाज़ में। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ सर रोहित। सर रोहित, रोहित कुमार जी। सर कितने दिनों से ये फार्म है और आप इसमें आपका क्या योगदान होता है इसमें? सर थोड़ा बड़ा पापा का सर हाथ बटा देते हैं इसमें सर जी। और सर मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब जो काम रहता काम भी हो जाता है सर। और ये और आप कुछ और करते भी हैं? सर पढ़ाई करते हैं सर। पढ़ाई कर रहे हैं पापा भी कुछ और करते हैं क्या, सिर्फ फार्म पे आप लोग निर्भर हैं? नहीं सर पापा भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं सर। छोटा मोटा जॉब दूसरा जगह भी बिजनेस करते हैं? जॉब करते हैं जी। बिजनेस करते हैं कि जॉब? बिजनेस करते हैं पापा। हाँ। कितने दिनों से ये फार्म चल रहा है? 10 साल। 10 साल? 10 साल से आप लोग कितने गाय से आपने स्टार्ट में तो आपको नहीं पता होगा बट शुरू से 7-8 गाय जो आप देख पा रहे हो? शुरू से 1-2 था सिर्फ। और कितने दिनों से आप देख पा रहे हैं जब 8 गाय यहाँ पे है आपके पास? लगभग हम 2-3 साल से देख रहे हैं। 2-3 साल से 8 गाय आप देख पा रहे हैं? सभी दूध यही अगल बगल में ही सेल हो जाता है? यहीं से मतलब आकर सब यहीं सब ले जाता है। कितने रुपए लीटर बिक जाती है? 42 रुपए। 42 रुपए लीटर दूध आपका यहाँ से बिक जाती है जी सभी जी। फायदा होता होगा तभी तो रखा गया है जी। बहुत से लोगों का ऐसा कमेंट होता है सर के फार्म में फार्म लॉस का बिजनेस है। कभी कभी लॉस में जाता है। कभी कभी लॉस होने का वजह आपको पता है? लॉस होने का वजह ये होता है कि गाय मतलब सब बैठ मतलब गभिन एक और हो जाती है सब, तो उसको बैठा कर खिलाना पड़ता है। एक ही साथ तो सभी लोग गभिन नहीं होते होंगे? मतलब एक बार ऐसा हो गया था कि सब गाय मतलब गभिन हो गई थी। 4 गाय गभिन होकर खा रही थी, 2 गाय मतलब सिर्फ दुहा रही थी। 2 ही गाय दुहा रही थी? हाँ, तो उसमें लॉस में मतलब जा रही थी। तो मान लिया जाए अगर 2 गाय दुहा रही थी तो दोनों टाइम में मिला के कम से कम तो 30 लीटर दूध हो रहा ही होगा। 25 लीटर तक 25 लीटर तक हाँ। 2 गाय का दूध हाँ। हो रहा था 25 लीटर 40 रुपये के हिसाब से भी अगर बिकती है तो लगभग 1000 से कितना पर डे 1000 से ज़्यादा खिलाते हैं? एक गाय पे 150-200 खर्चा होता है। सब चीज खरीदना पड़ता है, सूखा चारा सब चीज सब। हरा चारा भी मिलता है क्या? नहीं खिलाते हैं। हरा चारा मिलता मतलब सिर्फ 2-3 महीना मिलता, अभी इधर से आने वाला है। अच्छा मतलब, वो भी खरीद के ही खिलाते हैं? खरीद कर मतलब मिलता है। तो इनके पीछे अभी क्या खर्च हो रहा होगा? लगभग अभी भी 150-200 रुपए खर्चा हो जाता है एक गाय के पीछे। एक गाय के पीछे मान लिया जाए 200 रुपए भी अगर आप पकड़ते हैं तो आपके पास 4, 6, 2, 8 गाय है। 9 गाय है। 9 गाय है तो 1800 रुपया। हाँ 1800 रुपया इनके पीछे मंथली खर्च है जी। 1800 रुपये के प्लस दूध होता है तो फायदा है, अगर उतना होता है तो बराबर चल रहा है, अगर उससे कम होता है तो लॉस में। अगर मैं ये बोलना चाहूँगा सर जब गभिन का समय होता होगा जी। जब गभिन गाय होती होगी तो खिलाने में भी तो खर्च कम आते होंगे? खिलाने मतलब जैसे डाइट प्लान अभी आप 2 किलो मकई का दायरा दे रहे हैं तो गभिन गाय को तो उतना नहीं दे रहे होंगे, कम मतलब, दे रहे होंगे मतलब जिस समय मतलब 1 महीना मतलब बिना मतलब बच्चा देने वाली है वो जी जी, तो मतलब उसको मतलब खाना मिलता है मतलब कि मतलब बराबरी हाँ ताकि वो तैयार हो जाए। हाँ बना रहे मतलब गाय वो गाय बना रहे। हाँ अभी लगभग 200 रुपये पर डे खर्च हो रहा है। अभी कितना दूध निकल रहा है सर? अभी निकल जाता है 110 लीटर। हाँ 110 लीटर निकल दोनों टाइम में। हाँ, दोनों टाइम मिलाकर तो लगभग 4-4.5 हज़ार का दूध बिकता हाँ, है हाँ, इतना एक अनुमान हाँ, लगाया था हाँ, तो अभी तो फायदे का बिजनेस है ये? हाँ अभी तो मतलब ठीक ठाक है मतलब अभी आपने, आपके... रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब चेंज भी हुआ है। चेंज भी हुआ है और दूध भी हाँ कि मतलब गाय गभिन था ना तो मतलब ये वाला गाय जी मतलब एक्सचेंज किया, मतलब एक गभिन गाय ले गया वो मतलब ये धेन गाय मतलब दूध वाली गाय दे कर गया है और कुछ पैसा दिया। हाँ, कुछ पैसा भी लिया है वो, पैसा लिया होगा हाँ। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि कितने दिन आपके लगभग आप 3 साल से आपने बताया कि मैं 3 साल से इस फार्म को देख रहा हूँ और इसके बारे में जान रहा हूँ। 3 साल में कब ऐसा कितने बार ऐसा मौका मिला आपको कि जब आपका फार्म ऐसा लग रहा था कि लॉस में जा रहा है? मतलब लॉस में मैं जाने का कर ये होता है कि मतलब सब एक साथ खाने। कितने बार ऐसा लगा आपको, जैसे कितने बार ऐसा हुआ? 3 बार। 3 साल में 2-3 बार ऐसा लगा कि अभी फायदा नहीं हो रहा है? ज्यादा भी लॉस होता है कि नहीं? ज्यादा लॉस ये होता है कि गाय मतलब खरीदा कर आई मतलब बीमार पड़ गई तो, बीमार पड़ गई मर गई या फिर यही दिक्कत होता है, वो लॉस होता है। 3 साल के में आपको कभी गाय ऐसा लॉस हुआ है आपका कि जो गाय एक्सपायर कर गई? हुआ है। कितनी गाय ऐसे तो पहले होता था मतलब, आपके 3 साल का एक्सपीरियंस में मैं जानना चाहूंगा। नहीं 3 साल में इधर नहीं हुआ है। 3 साल में ऐसा नहीं हुआ है जो लॉस हुई हो? वही अगर गभिन ज्यादा हो जाती है एक ही टाइम में हाँ।
तो लॉस होने का वजह बनता है, वैसे लॉस नहीं है, ऐसे लॉस नहीं है, मतलब अब तो जान गए कि उसे लॉस होता है, तो अब तो मतलब गबिन होती है, तो मतलब 3 महीना बाद उसको मतलब क्रॉस किया जाता है जी। मतलब 3 महीने उसको मतलब अभी इसको क्रॉस करवा दिया, फिर अभी किसी गाय को मतलब नहीं होगा, कोई भी गबिन गर्म हो जाएगी, तो अभी गर्म भी गबिन भी होगी आपके फार्म पे गाय जी? सभी गाय गबिन है या अभी? सभी नहीं है, 2-3 है, 2-3 गाय गबिन है। कितने दिन दूध छोड़ना पड़ता है? 3 महीना। 3 महीना छोड़ते हैं? हाँ, 3 महीना। 3 महीना बैठ कर खिलाते हैं, बाकी बाकी दूध दूध निकालती है। हाईएस्ट दूध कितना लीटर तक निकालती है आपकी गाय? एक गाय 20 लीटर तक के आपके पास? परचेस कहाँ से करते हैं, अगल बगल से या कोई मंडी से, कोई सेल्समैन से? कौन सी मंडी? जरुआ। जरुआ में? जरुआ के आगे कौन सा है? जरुआ के आगे महुआ। महुआ नहीं है, मधौल। मधौल, मधौल मेला से? मधौल से गाय, व्हाइट वाली? हाँ, व्हाइट वाली। कितने की है वो सर? 40। कितने लीटर दूध निकाल रही है अभी? तो भी 20 लीटर भी निकलता है। 20 लीटर तक दूध निकाली है? हाँ। दांत में 2 दांत या 4 दांत? लगता है 4 दांत है। पहली बयान के में लिए थे, दूसरी बयान में? दूसरी बयान के लिए। दूसरी बयान के लिए थे। 40,000 में मिल जाती है वहाँ पे? हाँ, मिल गई थी। मिल गई थी या फिर अक्सर मिल जाती है? हमको तो मिल गई थी, मतलब पापा लाए थे, मतलब तो बोले, हम पूछे थे कितना, तो पापा बोले 40,000 में खरीद कर लाए हैं। अच्छा, जो भाड़ा लगा, जो अलग लगा भाड़ा, तो कहीं भी आप दूर लेकर जाएंगे तो भाड़ा लगेगा। अगर आप हाजीपुर मंडी से लेते हैं, जरुआ मेला से, तो वहाँ कितने तक मिलती है 20 लीटर वाली गाय? वहाँ तो बहुत ज्यादा, पापा बोलते वहाँ तो बहुत ज्यादा मांगता है। मधौल में कम मांगता है? पापा बोलते वहाँ पे जरुआ मतलब बहुत ज्यादा ही मांगता है, मधौल मतलब पड़ जाता है वहाँ पे। अच्छा, मधौल में आपको पड़ जाता है, जरुआ में आपको नहीं पड़ता। अभी क्या क्या देते हैं सर इनको फीड में, क्या मैनेजमेंट? मात्र आधा कट्ठा भी आपके पास जमीन नहीं होगा? एक कट्ठा है। एक, ये पूरा एक कट्ठा है? हाँ, पूरा एक कट्ठा है। एक कट्ठा लगभग जमीन है ये, और मैं समझता हूँ कि 40 होगा, 40 स्क्वायर फीट में, 40 फीट लंबा और लगभग 30-35 फीट चौड़ा, यही होगा ना सर? इतने में आप 9 गाय को रख रहे हैं, शहर में दूध दूध बेचने से ये इतना बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि 42 रुपये दूध आपकी सभी गाय का दूध यहीं पे बिक जाता है, यहीं से मतलब सभी यहीं से सेल हो जाता है। ये नहीं होता कि वहाँ उसके घर जाकर पहुँचाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्या क्या देते हैं सर इनको फीड में, क्या क्या खिलाते हैं? खाना में मिलता है चोकर जी, दर्रा जी, और फीड जी, और करुआ खल्ली जी, और मतलब बेसन पीता है, तो मतलब बेसन उसमें अक्टी का रहता है, मकई का, पानी पिलाने के लिए। हाँ, पिलाने के लिए रहता है, पिलाने के लिए। खाना खाने के लिए मिलता है फीड जी और चोकर। एक गाय पे कितना केजी देते हैं, कुछ ऐसा अंदाजा? मतलब अभी तो जो ज्यादा गाय दूध करती है, तो मतलब लगभग 3 किलो चोकर जी, और 1-1.5 केजी तक फीड। 1-1.5 केजी फीड। हाँ, अभी इतना खिला रहे हैं, अभी इतना खा रहे हैं। आप 3 साल के एक्सपीरियंस में, आप जो अगर नए फार्म करना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे सर? वो भी कर सकते हैं, मतलब ये भी थोड़ी मतलब खराब, मतलब ये है खराब बिजनेस नहीं, नहीं है, किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। कोई लॉस होने का कोई चांस नहीं? लॉस होने का कोई चांस नहीं है। कितने रुपए दूध बिकेगा तो अच्छा बेनिफिट वो कमा सकते हैं? वो तो डिपेंड करता है वहाँ का, मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम आपके हिसाब से कितने रुपए दूध बिकना चाहिए तो फायदा अच्छा कमा सकते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे तो गांव में बिकता है तो 25-30 रुपये लीटर बिकता है, उसमें भी फायदा हो जाएगा? हाँ, उसमें भी होता है फायदा, हो सकता है। 25-30 रुपये में भी बेचेंगे तो भी फायदा हो सकता है। हाँ, हो सकता, मतलब फार्म करना चाहिए। अगर आपके यहाँ तो सब कुछ खरीदना ही है, सूखा चारा सब चीज, सभी चीज खरीद के भी आपका फार्म लॉस में नहीं है? नहीं है, लॉस में नहीं है। लगभग 10 वर्षों से आपका फार्म चल रहा है? हाँ, चल रहा है। जो नए फार्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों सुना, उनको जानकारी रहना चाहिए, मतलब गाय को कैसा रखा जाए जी, मतलब कैसे खिलाया जाए, उनको कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि नए लोगों को तकलीफ ना हो। मतलब गाय को मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए जी, मतलब ज्यादा गंदगी में भी नहीं रहना चाहिए जी। जब आपकी गाय मंडी से खरीद कर आती है फर्स्ट टाइम, उसको कैसे कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज का ख्याल रखते हैं? यहाँ मंडी से यहाँ पे आती है तो मतलब कुछ दिक्कत होता है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो शेयर कीजिए ताकि लोगों को आसानी हो। मतलब खाना नहीं खाती है गाय जी, उसके लिए क्या देते हैं? दूध भी नहीं करती है जी, तो पापा कुछ क्या तो बोलते हैं उसको, लाकर मतलब खिलाते हैं। क्या बोलते हैं वो आइडिया नहीं है, वो हम नहीं जानते क्या लाकर खिलाते हैं। अगर वो बताते तो ही तो लोगों को हेल्प मिल पाता। वो पापा रहते तो अच्छे से बताते हैं। पापा कहीं गए हैं? हाँ, पापा भी कहीं गए हैं। दोस्तों मैं ना तो इनको बताकर आया हूँ, बहुत दिन पहले हमसे इनसे बात हुई थी कि हमारे फार्म पे आइए, और मैं यहीं के करीब आया हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी आ जाया जाए। लगभग 1 घंटा पहले मैंने आपको फ़ोन किया था और मैं यहाँ पे आया हूँ। ना तो कुछ सिखाया गया, ना कुछ तो बताया गया है, ना तो मैं बोलता हूँ कि फार्म साफ कर दीजिए या फिर कुछ भी नहीं, मैं डायरेक्टली आता हूँ। तो आप एक हमारे चैनल पर आप
एक रियलिटी देख सकते हैं, रियल क्या होता है फार्म का हाल, फार्म में क्या होता है, फार्म कैसा रहता है, आप रियल देख पा रहे हैं। फार्म मात्र इसी तरह से, ना तो इसमें साफ किया गया है ना तो गंदा किया गया है, आप देख पा रहे हैं जो रियल है। ये पापा यहाँ इनके पास अभी नहीं है, जो कि फार्म के मेन ऑनर आप कह सकते हैं, जो फार्म चलाते हैं और साथ में ये भी हेल्प करते हैं। क्या क्या काम रहता है सर आपका? मेरा काम रहता है वही, मतलब गाय का खाना खिला देना जी, हल्का साफ सुथरा भी कर देते हैं, हम ही कर देते हैं जी, दूध निकालना, दूध भी कभी कभी निकाल देते हैं, आप निकाल लेते हैं दूध, मशीन से निकाला जाता है, हाथ से निकलता है, हाथ से ही दूध निकाल लेते हैं, ये काम है आपका। तो सुन लिया होगा आपने, पढ़ते भी हैं, और कौन कौन फार्म पे देखते हैं फार्म को? कौन कौन भैया है वो भी कुछ और करते हैं कि वो डिपेंड कोई है फार्म पे? फार्म पे कोई डिपेंड नहीं है, सभी लोग अलग एक्स्ट्रा बिजनेस समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा बिजनेस से मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा कमाई किया जा सकता है फार्म से, और कर भी रहे हैं, है ना सर? हाँ। कर रहे हैं, अलग से वो जो अलग काम कर रहे हैं उसका अलग पैसा है, और इसका ये एक्स्ट्रा में, हाँ एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में, और कुछ नहीं। कितने बजे सुबह उठना पड़ता है सर इसमें? सुबह में उठते हैं हम सर, पापा ही कितने बजे उठते होंगे? पापा 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के साफ वगैरह करके दूध निकालते होंगे, 7 बजे दूध दुहना चालू होता है। कितने बजे चले जाते हैं पापा यहाँ से? 8 बजे तक चले जाते हैं, 8 बजे तक पापा चले जाते हैं, उसके बाद कौन देखता है? उसके बाद हम ही सब देखते हैं। कितने बजे तक आप देखते हैं इसको? पापा हम घर ही पे रहते हैं, कभी कभी क्लास जाते हैं, मम्मी भी कभी कभी यहाँ पे आकर मतलब देख लेती है, सिर्फ मम्मी भी आके देख लेती है, मतलब सिर्फ बैठी हुई है कि खड़ी हुई है, हाँ कोई लड़ तो नहीं रही है, कुछ हुआ तो नहीं, खुल गया है कि मतलब ये हो गया वो हो गया, सिर्फ ये देखना हमेशा पड़ता है। बट संभालने की टाइम मात्र सुबह में 4 घंटा समझिए और शाम में 4 घंटा, यही है ना सर? और बाकी टाइम में आप फ्री होकर सिर्फ देखना है इसको, ख्याल रखना है। तो सुन लिया होगा दोस्तों, अगर आप फार्म करना चाहते हैं, अगर आपका घर शहर में है तो मैं बोलूँगा बेझिझक 2 गाय लाकर उसका व्यवस्था कर बना कर, और आप बिंदास बिना सोचे समझे आप गाय लेकर आएँ और अच्छे से गाय परचेस करें ताकि आपके साथ धोखा ना हो। और शहर में दूध अगर आप 40 रुपये प्लस बेचते हैं तो आप एक अच्छा सा कमाई फार्म के जरिए कमा सकते हैं। तो मैं इनका पूरा फार्म घुमाना, तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये मात्र 3 नाद में 9 गाय खाती है, आप इससे समझ सकते हैं कि कितना कंजेस्टेड एरिया में फार्म को किया गया है और चल रहा है। पैसे कमाने से मैं समझता हूँ पैसे कमाने के लिए कुछ भी कंजेस्टेड ही सही, बहुत से लोग शहर में प्लास्टिक वाली दूध नहीं परचेस करना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं, तो हर कोई चाहता है कि डायरेक्टली उनके फार्म से दूध मिले, तो इस वजह से हर कोई परचेस करता है फार्म का दूध। तो इसलिए शहर में थोड़ा मुश्किल तो होता है फार्म चलाना, बट कमाने के लिए एक अच्छा जरिया है। आप ये देख पा रहे हैं 4 गाय इधर बंधी है, जिसमें से एक आप फर्स्ट वाली गाभिन, और इसे जो सर ने बताया है कि 20 लीटर तक के दूध निकाली 4 दांत में, जो कि बहुत बढ़िया। कितनी हुई इसका बच्चा, क्या है दांत? बच्चा लता बाछा, बाछी है, बाछा बच्चा है, बाछा बच्चा में दिखाएंगे वो भी वहाँ पे है। तो और इस ये एरिया है जहाँ पे रात को बांधा जाता है ताकि ठंड ना लगे। यहाँ पे आप काफ देख पा रहे हैं 3 बच्चे, तीनों बाछी तैयार करते हैं सर अपने फार्म पे? नहीं, बाछी तैयार नहीं होती है। क्या करते हैं, कितना बड़ा होने के बाद बेच देते हैं? वो 1-2 साल होने के बाद सेल हो जाता है। एक दो साल होने के बाद सेल हो जाता है, मतलब बछिया से कोई मतलब नहीं है, दूध गाय थोड़ा बहुत खराब हुई तो उसको बेच देते हैं। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 गाय, और दूसरा मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको कि मात्र ये देख सकते हैं यहाँ पे सूखा चारा का व्यवस्था इतने से जगह में किया गया है। बहुत से लोग सोच ही रहे होंगे कि फार्म करें ना करें, बट ये इतना अच्छा फार्म चल रहा है शहर में, करने से ये फायदा है। और हर सूखा चारा कितने दिनों में खत्म हो जाता है और आ जाता है? वो तो 1 महीना में खत्म हो जाता है, मतलब फुल हो जाता है। अच्छा, वो फिर मंगा लेते हैं, मतलब फोन कर दिए आपका ही घर पे आ जाएगा। गर्मी में कोई दिक्कत होती है इन सभी को? गर्मी में दिक्कत नहीं, गर्मी में पंखा चलता है, फैन वगैरह ये लगा हुआ है, ये फैन वगैरह चला देते हैं। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी को फीड इतने में ही रखा गया है। शहर में होता क्या है कि आप जो चाहें जब चाहें तब खरीद सकते हैं, हर चीज़ आपको जब चाहें आप रात को चाहें खरीद लें, दिन को चाहें, लाने का व्यवस्था भी मात्र हर जगह उपलब्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1/2 किलोमीटर के अंदर अंदर हर चीज़ का उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होती, इसलिए कम चीज़ भी रख के अपना फार्म चला सकते हैं। यानी कम फीड, अगर आपको 10 KG लाना है, एक ही दिन का लाना है, तो भी आपका फार्म चल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।